हाँ जी, अज आप करांगे प्रोडक्शन फंक्शन ते उस तो बाद जो अपने बेरियल इफेक्ट एंड फेस्ट फैक्टर की होंगे इन बारे अब आप स्टडी करांगे। तो सब तो पहला की है जी अपना प्रोडक्शन फंक्शन की होंगे। प्रोडक्शन फंक्शन अपना रिलेशनशिप शो करता बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। जो आप सिर्फ जो कल प्रोडक्शन की गल करिए जो प्रोडक्शन का मीनिंग की आ प्रोडक्शन की है जी अपनी भी जो इनपुट ने उन्होंने कन्वर्ट करना कि आउटपुट के जो अपना रॉ मटीरियल आ तो आप तैयार करते हैं आप फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं जिहड़ियां जिन्होंने आप यूज कर सकते हैं। जिहड़ा अपना प्रोडक्शन फंक्शन आप गल करते हैं फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। जो भी आपने हम देखो क्वांटिटी कोई प्रोड्यूस करनी है कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको की है जी इनपुट चाहिए होंगे ने जिवें लैंड लैंड लेबर कैपीटल एंटरप्रेन्योरशिप ये अपने की ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जिन्हों की हैल्प के नाल आप करते हैं जी प्रोडक्शन करते हैं। एक होंगे जी अपना रॉ मटीरियल वो होंगे जी नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटीरियल कन्वर्ट किया जाता वा फिनिश्ड गुड्स के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपीटल एंटरप्रेन्योरशिप इन्हों की हैल्प के नाल आप करते हैं जी प्रोडक्शन करते हैं। तो हम देखो तो जिहड़ा अपने कोल जो भी रिसोर्स है जो भी लैंड हैगी अपने कोल लेबर हैगी ठीक है जी इन्हों की हैल्प के नाल आप जिनी भी मैक्सीमम आउटपुट कर सकते हैं यूनिट बना सकते हैं जो भी अपने कमोडिटी प्रोड्यूस करनी आ उस दे बारे आपां की है जी दसदा वा जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन आ। तो देखो कहिंदे प्रोडक्शन फंक्शन रेफरस टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड जो भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपने इनपुट्स ने। तो जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन और रिलेशनशिप शो करता बिटवीन आउटपुट एंड जो अपने इनपुट्स होंगे ने। तो हम देखो आप किमें लिखते हैं जी इतने देखो जी अपना जो इतने क्यू है अपनी की है क्वांटिटी जो अपने प्रोड्यूस करनी है तो यू आप जो आउटपुट आ गई तो अपने को इनपुट ने एल मतलब लेबर तो जो सी अपने को है जी कैपीटल एफ का मतलब फंक्शन। तो जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन और रिलेशनशिप शो कर दे कर रहा बिटवीन जिहड़े अपने इनपुट ने एंड जिहड़े अपनी आउटपुट आ भी जो अपने को गिवन रिसोर्स है जो भी अपने को लेबर हैगी कैपीटल आ उसकी हैल्प के नाल आप मैक्सीमम आउटपुट किन्नी कर सकते हैं। तो उस तो बाद आ गया जी अपने को एंड फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। हाँ जी एक गल होर ये इंपोर्टेंट आ भी जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन आ टेक्ना प्रोडक्शन फंक्शन आ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप शो करता बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो कहते उस तो बाद अपने फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर की होंगे ने। पहला वेरिएबल फैक्टर करते हैं जी वेरिएबल फैक्टर अपने वो फैक्टर होंगे ने जिहड़े चेंज होंगे मतलब वेरिएबल फैक्टर अपने वो फैक्टर होंगे ने जिहड़े चेंज होंगे ने जदों अपना लैवल ऑफ आउटपुट भी की होंगे जी चेंज होंगे। जो जिमें देखो भी अपने प्रोडक्शन इनक्रीज करनी है तो जब आप लेबर की कर सकते जी इनक्रीज कर सकते जो अपना लेबर एंड जो अपना रॉ मटीरियल लेबर एंड रॉ मटीरियल ये अपने किहड़े फैक्टर ने जी वेरिएबल फैक्टर ने जिन्हों आप चेंज कर सकते हैं जो अपना लैवल ऑफ आउटपुट की होगा जी चेंज होगा। देखो जो हम अपने ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आप रॉ मटीरियल भी इनक्रीज करा आप लेबर भी इनक्रीज कर सकते हैं। जो हम अपने प्रोडक्शन डिक्रीज करनी है डिमांड ज्यादा नहीं हैगी भी अपने प्रोडक्शन घट करनी है तो जी डिक्रीज कर देंगे। तो जो अपने वेरिएबल फैक्टर होंगे ने जो आप शॉर्ट पीरियड की गल करिए शॉर्ट लोंग दोनों के अपने की आ चेंज होंगे ने जदों लैवल ऑफ आउटपुट की होंगे जी अपना चेंज होंगे। जो अपने फिक्स्ड फैक्टर ने ये शॉर्ट पीरियड के लैवल ऑफ आउटपुट चेंज होने चेंज नहीं होंगे है चाहे हम देखो अपने को जो भी फैक्टरी हैगी अपने को चाहे प्रोडक्शन ज्यादा ऑर्डर आ गया ज अपने प्रोडक्शन की करनी है घट करनी है तो जो अपना साइज आ जो भी अपनी फैक्टरी आ वो की आ सेम ही रहेगा वो आप चेंज नहीं कर सकते है शॉर्ट पीरियड के जी पीरियड के जो अपना लैवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा तो उस केस दे विच आपां जो फिक्स्ड फैक्टर आ चेंज नहीं कर सकते हैं बट जो लोंग पीरियड आ उस दे विच आपां फिक्स्ड फैक्टर की है जी चेंज कर सकते हैं। तो हुण उस तो बाद देखो जी अपना जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी अपनियां टाइप्स कहड़ियां कहड़ियां ने। एक होंदा जी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक होंदा जी अपना लोंग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जिहड़ा अपना जी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आ यो आ जिस दे विच सिर्फ आपां जे प्रोडक्शन आ जिहड़ी इनक्रीज करनी आ तो सिर्फ कि थ्रू करा आप वेरिएबल फैक्टर भी आप लेबर इनक्रीज कर सकते हैं ठीक है जी। जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करनी आप रॉ मटीरियल भी वध चाहिए
ਆਪਾਂ ਰੌ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ, ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਕੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਕੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਕੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ।